Hello students, welcome to all in my online classes. आज हम स्टैंडर्ड नर्सरी के लिए कुछ मैथमेटिक्स का वर्कशीट लाए हैं. फर्स्ट है मैच द सेम नंबर्स, यानी यहाँ पर आपको दो कॉलम्स में कुछ नंबर्स दिए होंगे, जिसको चूज करके फर्स्ट कॉलम से दूसरे कॉलम में आपको मैच करना है. जैसे ये सारे नंबर्स है, जैसे फर्स्ट नंबर फर्स्ट रो के अपर साइड में है 4, और आपको यहाँ ऊपर से देखना है कि कौन सा नंबर 4 है और कहाँ पर है, उससे आपको मैच करना है. जस्ट लाइक ये देख रहे हैं कि आपको वहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि 4 और 4 कहाँ पर है. ये 4 को आप 4 से मैच करेंगे. जस्ट लाइक दूसरा है 6, और आप देख रहे हैं सेकेंड रो में 6 कहाँ पर है, इसको आपको क्या करना है, मैच करना है. कुछ एग्जांपल और हम देंगे. जैसे है फर्स्ट रो के 3rd नंबर में 2, और आप इसमें देखेंगे कि 2 कहाँ कहाँ है. जस्ट लाइक 5, 3, 4, 7, 6, 8, और ये रहा आपका 2. तो आपको यहाँ 2 से लेकर के 2 तक क्या करना है, मैच करना है. नेक्स्ट नंबर है आपका 5. आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर है, और 5 को आप इस रो में देखिए कहाँ है, तो आपको दिखेगा 5 सब सेकेंड रो में सबसे ऊपर साइड में. तो आपको इस 5 से लेकर के इस 5 तक मैच करना है नंबर को. नेक्स्ट आपका नंबर है 3. जैसे 3 है और आपका इस रो सेकेंड रो के सेकेंड स्थान पे क्या है, 3 है यहाँ, तो आपको इस 3 से इस 3 तक एक लकीर खींच के इसको मिलान करना है. नेक्स्ट है नंबर 1. आप देखिए सेकेंड रो में सबसे निचले हिस्से में 1 है, तो इसको 1 को क्या करना है, यहाँ तक मैच करना. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है. नेक्स्ट है नंबर 7. 7 आप देखिए कि सेकेंड रो के 5, 3, 4 और 7 7 यहाँ पर है, तो आपको इस 7 से इस 7 पर मैच करना है. नेक्स्ट आपका नंबर और लास्ट नंबर है 8. आप देखेंगे कि सेकेंड रो में 8 किस प्लेस पर है, तो 8 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है, तो हम 8 को मैच कर दिए. इस तरह से आपका एक वर्कशीट पूरा होता है. आप अपनी कॉपी में इस दोनों कॉलम को लिखें और उसे नोट्स बनाएं और इसको मैच करने की कोशिश करें. और हम पेरेंट्स से कहना चाहेंगे कि आप बच्चों को यह करने के लिए प्रेरित करें, यह करने के लिए उत्साहित करें, और उसे अपने नोटबुक में लिखने को कहें. और माय सेकेंड वर्कशीट है काउंट एंड सर्किल. इस वर्कशीट में आपको कुछ डायग्राम्स दिए हुए, कुछ पिक्चर दिए हुए लेफ्ट साइड के बॉक्स में और राइट साइड के बॉक्स में, उससे रिलेटेड कुछ नंबर्स दिए हुए. इस पिक्चर को आपको काउंट करके और दूसरे कॉलम में रहे नंबर्स पर गोला लगाना है, सर्कल करना है. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट रो के कॉलम में है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाओ, 1, 2, 1. हम इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका रेड ले लेते हैं, फिर आपको बताएंगे. अब यहाँ देखते हैं कि सर्किल की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम देख रहे हैं यहाँ सर्किल की संख्या कितनी है, 3 है. हम यहाँ सॉरी 6 है, तो हम ये 6 नंबर को हम क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे. हम नेक्स्ट देख रहे हैं एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है नेक्स्ट कॉलम में, दूसरे कॉलम में स्क्वायर बॉक्स. तो हम यहाँ पर चेक करेंगे स्क्वायर की बॉक्स जो है वो कितनी संख्या में है. तो हम चेक कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5.
यानी स्क्वायर बॉक्स की संख्या 5 है, और हम सेकेंड रो में देखेंगे कि 5 कहाँ पर है। हमें यहाँ दिख रहा है कि 5 यहाँ पर है, और हम इसको 5 को क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं कि आपको एक सर्कल यानी कि येलो कलर का जो सर्कल है वो सर्कल की संख्या कितनी है। आप सही रूप में देखें बच्चों कि सर्कल की संख्या कितनी है, कितना, 4। गुड, सर्कल की संख्या 4 है, 1 2 3 एंड 4। हम देखते हैं कि सेकेंड रो में 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, 4 यहाँ पर है, तो हम इसको 4 को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट मेरा है स्टार। अब आप देखिए रेड इन कलर में स्टार की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टार संख्या 1 2 3 4 एंड 5, और हमारे राइट साइड के बॉक्स में 5 कहाँ पर है, तो हमें यहाँ दिख रहा है 5 हमें यहाँ पर, तो हम इसको 5 को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लावर। क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि फ्लावर की संख्या कितनी है? यस, कितनी, फ्लावर की संख्या 3 है। वेल डन, आपने सही काउंटिंग किया, और फ्लावर यहाँ 1 2 3 है। हम देख रहे हैं कि सेकेंड रो में 3 कहाँ पर है, कहाँ पर, गुड, ये आपका 3 है, वेल डन। नेक्स्ट है आपका ये बना हुआ एक फोर डायग्राम का बॉक्स, फोर डायग्राम का स्टार, जस्ट लाइक इसकी संख्या कितनी है, काउंट करके आप भी बताइए अपने से। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी फोर डायग्राम वाले स्टार जो है वो कितनी है, 6 है, और हम इसमें देखेंगे कि 6 कहाँ पर है, तो 6 हमें यहाँ दिख रहा है, तो हम 6 पे सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट आपको एक एलिप्स से बना हुआ टूल्स है, जो एक गोला है गेंद की तरह, इस गेंद की संख्या का काउंटिंग करना है। क्या आप बच्चों बता सकते हैं गेंद कितनी है, कितनी, 2, गुड, गेंद संख्या 2 है, 1 एंड 2। तो हम इसमें स्क्वायर बॉक्स के जस्ट राइट साइड में हम देखेंगे कि 2 कहाँ पर है, तो 2 हमें यहाँ दिख रहा है, तो इस 2 में हम सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टार, यानी स्टार की संख्या कितनी है। यहाँ पर भी आप देखें जो ग्रीन कलर में, और लास्ट इस वर्कशीट का लास्ट जो डायग्राम है वह है ये 1 2 3 4 5, 5, यानी स्टार कितनी है, 5 है। हम देखेंगे कि इसमें 5 कहाँ पर है, तो हमें दिख रहा है 5 यहाँ पर है, तो इस 5 पर हम क्या करेंगे, इस 5 पर हम गोला लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह मेरा ये काउंट एंड सर्कल का जो वर्कशीट है वो क्लोज होता है। आप इस वर्कशीट को भी अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, और इसमें जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम को सही रूप में बनाएं, और हो सके तो आप इसमें कलर करें। आज के लिए ये काउंट एंड सर्किल का वर्कशीट ख़त्म होता है, और नेक्स्ट मेरा वर्कशीट है काउंट एंड मैच। अब यहाँ पर आपको काउंट करना है, और उसके रिलेटिव, उससे रिलेटिव जो संख्या है आपके राइट साइड में उसको मैच करना है। जस्ट लाइक आप देख रहे हैं कि सबसे अपर साइड में एक सर्कल बना हुआ है जिसकी संख्या कितनी है, जिसकी संख्या है 1 2 3 4 एंड 4, और आप देखते हैं कि इस रो में संख्या 4 कहाँ है, 5 है, 3 है, 4 है, और ये 4, तो आपको, आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले से मैच किया हुआ है 4, यानी कि उस सर्किल की संख्या जो येलो इन कलर में है वो कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट आपको ट्रायंगल दिया हुआ है जो ग्रीन कलर में है उसकी संख्या आपको काउंटिंग करना है, और इससे रिलेटिव जो राइट साइड में रोज, राइट रोज में जो आपकी संख्या है उस संख्या को आपको मैच करना है। जैसे इसमें काउंटिंग कर रहे हैं,
ट्रायंगल है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ट्रायंगल कितनी है? 5। बहुत अच्छा। और ये आप 5 से आपको क्या करना है, इसको मैच कर देना है। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्लावर। अब आपको कुछ फ्लावर दिए हुए हैं जिसकी संख्या काउंटिंग करना है, और इसके राइट साइड में के राइट साइड के रोज में लगे हुए संख्या पर आपको मैच करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है फ्लावर की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, और आप देख रहे हैं कि राइट साइड में 3 कहाँ है, तो फर्स्ट है 5, 3, यानी 3 हमको यहाँ सेकेंड रो मिलता है, सेकेंड स्थान पर, तो हम इस 3 को क्या करेंगे, मैच कर देंगे। नेक्स्ट आपका नंबर है, आपको ये 4 डायग्राम्स में स्टार बना हुआ है जिसकी संख्या आपको काउंटिंग करना है। क्या आप काउंटिंग करके बता सकते हो कितनी है? यस, 8। देखते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने सही काउंटिंग किया, इसकी संख्या सही में 8 है, और आप देख रहे हैं कि 8 कहाँ है, तो इस रो में, सेकेंड रो में, फर्स्ट में है 5, 3, 4, 7, 6, और ये रहा आपका 8। तो 8 को क्या करना है, आपको मैच कर देना है। अब नेक्स्ट संख्या हम देखते हैं क्या है, स्क्वायर बॉक्स, जो येलो कलर के बॉर्डर में ब्लैक इन कलर का है। अब इस स्क्वायर बॉक्स को आप काउंटिंग कीजिए और राइट साइड के रो में बने हुए नंबर से मिलान करें, मैच करें। तो हम इसमें काउंटिंग करने में आपका हेल्प कर सकते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। गुड। आपने भी सही काउंटिंग किया था, इसकी संख्या 6 है, और राइट साइड में हम देख रहे हैं कि अपर ऊपर से 5 है, 3 है, 4 है, 7 है, और ये रहा आपका 6। इस 6 में हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। वेरी गुड। बहुत अच्छा काउंटिंग किया आप, और नंबर को भी सही रूप में पहचान लें, और मेरे साथ आप काउंटिंग करने का भी प्रयास करें। जस्ट लाइक दूसरा है, यहाँ पर एक बॉल की आकृति का बना हुआ ग्रीन कलर का 2 डायग्राम है, आप उसको देखें और सही रूप में समझें वो है क्या। चलिए हम आपको काउंटिंग करने में हेल्प कर देते हैं। इसकी संख्या 1 है और 2 है, और आप देखेंगे कि इसमें 2 कहाँ पर है। 2 आपको दिख रहा है क्या? ये रहा सबसे निचले हिस्से में 2। अब आप इसको 2 को क्या करना है, आपको मैच करना, और यहाँ से आप इसको ऐसे खींच सकते हैं। ये रहा आपका 2। नेक्स्ट है 6 स्टार बना हुआ। अब आप यहाँ चेक करें कि इस स्टार की संख्या कितनी है, तो हम आपका हेल्प कर सकते हैं स्टार को काउंटिंग करने में। आप मेरे साथ काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सही आप काउंटिंग किया, इसकी संख्या कितनी है, 7 है, और आप इस रो, सेकेंड रो में देखें कि 7 कहाँ पर है। तो आपको हम काउंटिंग करते हैं, ऊपर फर्स्ट है 5, 3, 4, 7, ओके, 7 यहाँ पर मिल रहा है, तो हम इस 7 को क्या करेंगे, इसमें मैच कर देंगे, और ये आपका काउंट एंड मैच का वर्कशीट भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगेन आप इस मैच, काउंट एंड मैच का वर्कशीट जो है आप अपनी कॉपी में उतारें, और इसको सही सही रूप में जिस तरह है उस तरह आपको डायग्राम बनाएं, और उसको आप अगर कलर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कलर भी करें, क्योंकि आपकी वर्कशीट जितनी अच्छी रहेगी उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, और जब स्कूल ओपन होगी तो आपका ये वर्कशीट चेक किया जाएगा, और जिसकी जितनी अच्छी वर्कशीट उसको उतना अच्छा पुरस्कार भी दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। माई नेक्स्ट वर्कशीट है, राइट डाउन द मिसिंग नंबर।
हम यहाँ पर कुछ नंबर्स देंगे आपको, जहाँ पर कुछ नंबर्स इसमें मिस है, बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया है, उस फिल इन द ब्लैंक्स को, उस मिसिंग नंबर्स को आपको फिलिंग करना, फिलअप करना है। जैसे इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, जैसे आप काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 नहीं लिखा, 2 नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। नेक्स्ट है 3 और 3 के बाद 4, 4 और 5, तो 5 लिखा हुआ, लेकिन 3 एंड 5 के बीच में जो, यानी 3 एंड 5 के बीच में जो नंबर है वो नंबर मिसिंग है, आपको यहाँ पर लिखना है 4। गुड, आप सही पहचान है। नेक्स्ट 5 आफ्टर क्या होता है बच्चों, बता सकते हो आप क्या? गुड, 5 आफ्टर 6, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 भी मिसिंग है, हम यहाँ पर लिख देंगे 6। गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है 7, क्या आप बता सकते हैं 7 आफ्टर क्या होता है? क्या? 8। वेल डन, आपने सही पहचाना, 7 आफ्टर 8 होता है, तो हम यहाँ पर 8 फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट है 9, और 9 के बाद फिर एक नंबर मिस है 11, और 11 के पहले, क्या आप बता सकते हैं 11 बिफोर का क्या होता है? कौन सा? 10। गुड, 11 के पहले कौन सी संख्या आती है? 10। 11 के बिफोर नंबर 10, हम यहाँ पर 10 टाइप कर सकते हैं, और आपको इसी तरह से बॉक्स को भरना है। नेक्स्ट है नंबर 11, 12, और 12 आफ्टर फिर मिस वर्ड है, मिस नंबर है, तो क्या आप इसे पहचान सकते हैं 12 आफ्टर क्या होता है? 12 आफ्टर 13। गुड, और आप यहाँ देख रहे हैं 13 मिस है, आपको यहाँ पर 13 टाइप करना है। नेक्स्ट है 14, 14, 14 आफ्टर क्या होता है? 15। गुड, आपने सही पहचाना, 14 आफ्टर 15 होता है। नेक्स्ट है 16, और 16 आफ्टर जो फिर एक बॉक्स है, इसका मतलब है वहाँ पर भी एक नंबर मिसिंग किया है, क्या आप बता सकते हैं 16 आफ्टर क्या होता है? 17। गुड, सही पहचाना आपने, 17, हम यहाँ पर 17 भी टाइप कर देंगे। नेक्स्ट है 18, क्या आप बता सकते हैं 18 आफ्टर क्या होता है? वेल डन, 18 आफ्टर 19। गुड, आपने सही पहचाना, और सही आप नंबर मैचिंग कर रहे हैं, सही इसमें भर रहे हैं। नेक्स्ट है 20, 21, एंड देख रहे हैं कि 21 के बाद भी एक नंबर मिसिंग है, वह कौन सा नंबर है आप बता सकते हैं? गुड, 22, हम यहाँ पर 22 भी भर दिए। ओके, नेक्स्ट है 23, और 23 के बाद भी एक बॉक्स बना, अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब वहाँ भी कोई संख्या मिस किया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं 23 आफ्टर क्या मिस हुआ है? 23 आफ्टर क्या होता है? 24। गुड, 24, हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 24। अब नेक्स्ट आपका नंबर है 25। 25 आफ्टर क्या होता है? 26। गुड, 26, हम यहाँ पर 26 भी लिख देंगे। नेक्स्ट है 27, और यहाँ पर देखना है कि 27 और लास्ट एक संख्या है 29, क्या आप बता सकते हैं इन बिटवीन 27 to 29, यानी 27 और 29 के बीच की संख्या कौन सी है? गुड, आपने सही बताया, 28, और हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 28। इस तरह से मेरा ये वर्कशीट भी क्लोज होता है, और ये आज का जो वीडियोज है, आज का जो वर्कशीट है, हमने आपको दिखाया, इस वर्कशीट को आपको कॉपी पे लिखना है, और इसको पुनः अपनी कॉपी में मैच करना है, काउंटेंट मैच करना है, इसकी नंबरिंग करना है, इस सारे वर्कशीट को आपको पूरा करना है, और पूरा करने के बाद आप अपनी कॉपी को
अपने स्कूल में लाएंगे और स्कूल ओपन होने के बाद इसको स्कूल में चेक किया जाएगा और चेक होने के बाद आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये सारे वर्कशीट को आपको पूरा करना है और स्कूल ओपन होने के बाद ये चेक किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ नया वर्कशीट लाएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आपको आनंद होना पड़ेगा और आप खुशी से नाचेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे। और आज का वीडियो यहीं पर क्लोज होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।